आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जिसका नाम कोई भी राजनीतिक पार्टी हो पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। एक बार 16 मई से 1 जून 1966 और दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। और जो उनका डायलॉग है वो डायलॉग था, एक बार वो पाकिस्तान गए हुए थे और एक लेडीज पत्रकार ने अटल बिहारी वाजपेयी से बोला कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, आपने मेरे को मुंह दिखाई में कश्मीर देना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले ठीक है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया वो जवाब सुनकर उस टाइम पूरा पाकिस्तान हिल गया था, और जो लेडीज पत्रकार थी वो भी चुप की चुप रह गई। वो बोले आपको मेरे को पूरा दहेज में पूरा पाकिस्तान देना होगा। वो कुछ नहीं बोल सकी आगे से, और उन्होंने जो अपना राजनीतिक करियर शुरू किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वो 1942 के टाइम किया, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला हुआ था। उस टाइम उसका एक भाई 23 दिनों के लिए जेल गया था, और पहला इलेक्शन उन्होंने 1952 के अंदर लड़ा, जिसके अंदर उन्होंने हार का सामना करना पड़ा, और दूसरी बार इलेक्शन उन्होंने 1957 के अंदर लड़ा, लोकसभा सीट से 3 लोकसभा सीटों से इलेक्शन लड़ा, जिसके अंदर उन्होंने 2 सीटों से हार का सामना करना पड़ा और 1 सीट के अंदर उन्होंने जीत हुई। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।